कि हमको आप सद्बुद्धि दीजिए, हम अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। कि हम सभी लोगों की धर भारत माता और हम सभी लोगों की जाति वंदे मातरम होगी। और आपको बताओ, आप तो हमारे हीरो तब से हैं जब मैं इंटर में पढ़ता था। बहुत सौभाग्य का विषय है, बहुत मुख्य अतिथि आपके पास आते जाते होंगे, लेकिन आज इस देश का सच्चा देशभक्त आपके सामने मुख्य अतिथि होंगे। हम और आप निश्चित रूप से बहुत अधिक हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो माननीय मनोरंजन सिंह हिट्टा साहब हम लोग के बीच में उपस्थित है। और इसके साथ अब मैं छोटे से कार्यक्रम के रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सर, हम लोगों ने त्रिदिवसीय प्रोग्राम रखा है जिसमें भाषण प्रतियोगिता, लोकगीत भजन प्रतियोगिता, हास्य व्यंग साकेत तथा जिसमें राष्ट्रीयता की तमाम चीजें आएंगी वो सारी चीजें, पोस्टर प्रतियोगिता और इसके साथ में आशु रचना जिसमें आशु कविताएं स्वतः रचित कविताएं आएंगी, मिमिक्री वगैरह आएगी, मेहंदी की प्रतियोगिता, गजल और रंगोली के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही सांस्कृतिक महोत्सव के साथ हम इसको 25 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। निश्चित हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य होता कि अगर आप हमारे सांस्कृतिक संध्या में भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में होते। और सर, आप स्वतः मान लें कि हम छोटे भाइयों को आशीर्वचन देंगे, हम ऐसी लालच और ऐसी अपेक्षा आपसे रखते हैं। धन्यवाद। वह पूर्ण दिवस है युवाओं के लिए कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पंजाब से पधारे श्री मनिंदर सिंह बिट्टा साहब, जिनको कि ये पदवी दी जाती है कि ये जिंदा शहीद है। इनके ऊपर दोनों बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने इनको महासंघ करके छोड़ दिया था। पहला जो अटैक हुआ था 9 मई 1992 में इनके कार पर बम्बार्डमेंट किया गया था और उस समय इनके साथ कारवा चलता था, उसमें लगभग 13 आदमी मारे गए थे, लेकिन ईश्वर की मंशा थी, धर्मपति की कृपा थी, घायल तो हुए लेकिन आपके सामने उसी रूप में जिस रूप में जो था उनको उस समय था, युवा शक्ति की भावना थी, इनके अंदर कूट कूट भरी हुई थी, राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी कूट कूट कर, वह आज भी उतना ही आपके सामने। अभी जब उनकी आवाज आप सुनेंगे, सुनते होंगे तमाम टीवी चैनलों पे, तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलेगा कि क्या वही विकास जो टीवी बोलते हैं वह आज आपके सामने है। मैं बिट्टा साहब को बहुत बहुत श्रद्धा दूंगा, आभार दूंगा कि एक बार कहने पर आज इस देश के क्रांतिकारी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और एक राष्ट्रभक्तान जी को दर्शन कराने जा रहा हूं। गुरु जी, उनका बच्चा होने से तो काम है, एक छोटा सा काम मेरा करोगे? हमने कहा गुरुदेव आप आदेश तो करो, तुरंत होगा। कैंसर का 5 मिनट समय अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो हमने कहा गुरु जी बेचत मत करिए, आपका आदेश मैं निवेदन करूंगा बिट्टा साहब से। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोगों ने तो टीवी पर तमाम डिबेटों में तमाम ऐसे जो हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली घटनाएं हो, चाहे वामपंथ विचारधारा के लोग हो, चाहे आतंकवादी विचारधारा के लोग हो, जो देश को तोड़ने का, जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम करते, जो समाज को जिस प्रकार से समाज हम लोग जिस प्रकार से हम लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं, शांत स्वभाव में रहते हैं, जो
हम लोग गर्व करते हैं उस वीर सैनिकों के ऊपर जिनके संरक्षण में समर्थन में हम लोग अमन शांति से रहते हैं। उनकी आवाज को, उनकी जो विचार है, उस विचार को देश के नौजवानों के साथ रखते हैं, जिसके नाते इनके पीछे तमाम राष्ट्र विरोधी टाइप के लोग, समाज विरोधी टाइप के लोग और आतंकवादी तो कुछ कहने नहीं है, अभी माननीय गुरु जी ने बताया। तो ऐसे व्यक्ति को पाकर हम लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जय श्री राम। जब वो घर से निकलते थे मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए, तो जरूर कहते थे एक शाम चरागों में सजा रखी है, सत्य लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अनजान की भी परवाह हम नहीं करते। अगर चाहते शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 साल की उम्र में शहादत हुई, उम्र 23 साल, जैसे जैसे उनका शहादत का जन्मदिन आता है इतिहास और लंबा होता जा रहा है। 23 साल की उम्र क्या होती है, हमारे स्टूडेंट भी यहां को 22-23 साल के होंगे, पर उनका एक ही मकसद था, पार्लियामेंट में उनका फन फेंक के किसी को मारना मकसद नहीं था, हिंदुस्तान के युवाओं को जो जगाना, अंग्रेजों को यहां से भगाना और हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर एक नई शक्ति चेतना पैदा करना कि ये भारत मां को हमने आजाद कराना है, उन जालिमों के आजाद कराए। वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए गए, उनके माता पिता ने मना कर दिया, नहीं अगर हमारी शहादत नहीं होगी, अगर हम फांसी के रस्से को नहीं चूमेंगे तो ये भारत आजाद नहीं होगा। मैं 7 साल की उम्र में कांग्रेस में आया था, 7 साल की उम्र में, जो पगड़ी हमने पहनी है ये कुर्बानी और शहादतों की पगड़ी है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके 4 सैफे 2 को नियो में चढ़वा दिया गया, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक जिनको अपना शीश देना पड़ा, भाई मतीदास जी जिनको एक ही परिवार के 13 परिवार के भाइयों को उनको समाप्त कर दिया गया, उसके बाद ये पगड़ी हासिल हुई और उन्होंने शहादत पंजाब के लिए नहीं दी थी, उन्होंने शहादत दी थी हिंदुस्तान के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, भारत की आजादी की रक्षा के लिए शहादत दी थी। नरेंद्र मोदी जी ने होंगे बीजेपी के, अपना कोई तलक नहीं किसी पार्टी से, पर उस महान योद्धे ने जो राष्ट्र के लिए कर दिया, जो देश के लिए कर दिया, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर उसका नाम लिखा जाएगा, जिसने 370 साल पॉलिटिकल पार्टियां, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, आप हमें खून दो हम आपको आजादी लेकर देंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कभी लिखा नहीं, इनको नमस्कार करो। कितनी देर तक देश को ऐसे चलता रहा, कितनी देर तक ऐसे देश को हम चलाते रहेंगे, कितनी देर तक ये नौजवान स्टूडेंट के अंदर हम कमजोरियां लाएंगे, हम जज्बा नहीं पैदा करेंगे। पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो उसकी सोच होनी चाहिए राष्ट्रवाद। निडरता आपकी देखी, निडरता आपकी देखी तो आई याद अंगद की, तुम्हारे शौर्य साहस धैर्य का वर्णन।